नमस्कार दोस्तों, अभी आपके लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन जादू का खेल। तो हमारे पास है एक कोका कोला की बोतल और इस बोतल में एक ही कोका कोला है, लेकिन यहाँ पर हम दो आदमी हैं, एक मैं और एक आप। दो कोका कोला चाहिए था लेकिन है मेरे पास एक ही, तो चलिए इसको एक से दो बनाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मैजिक करने का इंतजाम किया है और इसे डालने के बाद जैसे ही निकालेंगे तो दो बोतल मेरे हाथ में आ जाएगा। वाह, ओ ये तो फूल आ गया। कोका कोला की बोतल कहाँ है? हाँ, ये तो मेरे हाथ में ही है और दो आएगा ही। आप देख सकते हैं कि दो बोतल नहीं बना और गायब हो गया। वाह, तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि एक कोका कोला का बोतल था और उसे गायब कर दिया गया है। आप भी मैजिक दिखाते समय कन्वर्सेशन करते हैं तो उसे मिसडायरेक्शन भी कर सकते हैं ऑडियंस को कि मैं एक से दो बनाऊंगा, दो से चार ऐसे करके और फिर गायब कर दीजिए, तो देखने वाला सोचेगा कि भैया बोला कुछ और है, वो कुछ और गया है, तो उसे हंसी आएगी अंदर से। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा आइटम है यह कोका कोला वेनिस, बहुत सारे मैजिशियन का फेवरेट है यह खेल। आप भी इस तरह का जादू कर सकते हैं और आप हमारे शॉप सुमन मैजिक शॉप से बहुत सारे जादू का सामान लेकर के अच्छे से जादू दिखा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपको एक बेस्ट प्राइस पे हमारे शॉप में सामान मिल जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, रिसीव किया जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी जादू का सामान अगर आप मंगाते हैं तो उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए आईने के सामने खड़ा होकर के, क्योंकि मैजिक में एक्ट भी एक मायने रखता है, यानी एक्टिंग में जो आप देखते हैं वो एक्टिंग भी इस मैजिक में शामिल करना पड़ेगा आपको। अब ऐसे खड़ा हो गए, ऐसे ऐसे निकाल दिए तो थोड़ा सा डल लगता है, बेकार लगता है, तो कुछ पोजीशन आपको ऐसा रहना चाहिए कि देखने में आपका जो पर्सनालिटी है वो एक सेलिब्रिटी की तरह दिखना चाहिए, तो ऐसा ही आपका एक्ट होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए आप मैजिक को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसे स्टेज पर उतारिए, और जब आप स्टेज पर उतारेंगे प्रैक्टिस के बाद तो मजाक का साधन नहीं बनेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामान ले लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हैं और चले जाते हैं स्टेज पर दिखाने, तो ऐसा गलती मत कीजिए। ऐसे में मैजिक का भी अपमान होता है, लोग आपको मैजिक करते समय समझ जाते हैं कि कैसे किया है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है आपको भी और देखने वाले को भी। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और इन्हीं बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।